हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर की एज वेल एज एक पर्टिकुलर शेयर की। देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन से मैं पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश हूँ, और अगर बात की जाए उन पर्टिकुलर शेयर भाग भी रहे हैं। तो हमने आप कल की डेट में यहाँ पर बताया था एक पर्टिकुलर शेयर, उसे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के नाम से। इससे पहले 2 दिन पहले ही एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने बात करी थी यहाँ पर बेस्ट ब्रोकिंग स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये भी भागता हुआ दिखाई दिया है, ये भी शेयर भाग रहा है। और अगर हम बात करें एक और शेयर जिससे रिलेटेड हमने अगर बात करें 3 से 3.5 या 4 महीने पहले हमने बात करी थी, और उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि शेयर पे नजरें रखना। उसके बाद अगर बात करें तो वो शेयर बहुत बेहतरीन तरीके से भागता हुआ नजर आया और मल्टी बैगर रिटर्न आपको 3 महीने के अंदर अंदर दिए। अब जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसी शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और हम बात करें कि हमने कब वीडियो बनाई थी, देखिए 4 महीने पहले यहाँ पर शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, और उस टाइम अगर हम बात करें तो वो शेयर का प्राइस कितना था, तो उस टाइम ये शेयर का प्राइस था लगभग 400 के आसपास। और मैंने तब वीडियो बनाई थी और आपको बताया था इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, और आपको बताया था क्यों नहीं भाग रहा था अभी तक और फिर एक साथ ही क्यों भाग रहा है। और उसी वजह से यहाँ पर आज की वीडियो भी इसी शेयर पे डिपेंड है। और बात करें अभी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें बुलिशनेस लग रही है। एक बार आपको यहाँ पर ये वीडियो बता भी देता हूँ कि इस शेयर से रिलेटेड हमने आप थी। नजरें बना तो यहाँ के पर रख देखिए सकते थ्री हैं कम नाइनटी से कम। एट 398 रुपीज पर ये शेयर चल रहा था। तो इसलिए आज दोबारा मैं बता रहा हूँ वीडियो, तो अभी तो ये शेयर डबल के लगभग हुआ है, लगभग 80-90%। और अगर बात करें ये अभी और ज्यादा, अगर बात करें लगभग और डबल होने के चांसेस है इसके, और बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और हमारे चैनल को जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो इस इन वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो यहाँ पर प्ले लिस्ट है, देखिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर पोजिशन लेनी है। प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए, सीखिए, सीख के यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बात करें ये शेयर, देखिए परसों की डेट में हमने 4-5 स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी, तब बताया था तब 710 के रुपीज के लगभग ये शेयर था। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली इसने अभी फाइनली बनाई है। इसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भाग रहा था। फिर ये यहाँ पर एक पैंडमिक आया, फिर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर OFS आया, फिर उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया। और अगर बात करें कितने रिटर्न, तो लगभग 100% के रिटर्न यहाँ पर ये कंपनी देती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की, तो यहाँ देखिए 52 वीक लो 376 रुपीज पर 31 मार्च 2021 को था। इसके बाद अगर बात करें 52 वीक हाई, तो 802 रुपए पे 16 जुलाई को यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देखिए 11,23,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे लगभग 18% शेयर देखे भी गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम और भी कुछ चीजों की बात करें, देखिए डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती आ रही है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 3-4 साल हुए। और बाकी अगर यहाँ पर देखे देखिए फाइनेंस रिजल्ट, तो यहाँ पर परसों की डेट में यहाँ पर मंगलवार को इनके रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि 20 जुलाई को आने वाले हैं। तो मुझे क्या लग रहा है, तो यहाँ पर से ये देखिए रिजल्ट तो अच्छे आने हैं। क्यों रिजल्ट अच्छे आने हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं मार्केट में, और अच्छे खासा यहाँ पर अगर बात करें कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर जब सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो बेस्ट अगर बात करें बेस्ट यहाँ पर सिक्योरिटीज या फिर ब्रोकिंग फर्म से जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो फॉरन इंडिया में ही नहीं, फॉरन में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए आए हैं। और अगर बात करें उनमें से अगर एक बेस्ट जो कंपनी नजर आती है, वो नजर आती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जो कि आपको इंडिया में ही नहीं, आप इसके थ्रू इस इधर अकाउंट ओपन करा के फॉरेन की कंट्रीज में भी आप अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए 50 लाख प्लस ट्रस्टेड कस्टमर्स है। 50 लाख का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कितना इनका अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। इसके अलावा 2+ decades ऑफ सर्विस, 150+ branches अक्रॉस इंडिया, 1,500+ business partners। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर रिटेल इंक्वायरी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन, यहाँ पर ये सब चीज़ में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, रिटेल इक्विटी या शेयर बाजार, सारी ब्रोकिंग यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर और भी कुछ चीजों की बात करें, देखिए देखिए वैसे 0 रुपीज दे के यहाँ पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर फॉरेन फॉरेन के बिजनेस में आप पार्टिसिपेट, मतलब फॉरेन के शेयर्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अभी दे नहीं रखा है। बट अगर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर आप ये सब चीज कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर सब चीज है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ट्रस्टेड है, आईसीआईसीआई ग्रुप से रिलेटेड है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की,
तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप 24,656 करोड़ रुपए का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू देखिए 56 रुपये है, बट शेयर अच्छा खासा भाग लिया है। आरओसी 37% के, जो कि अच्छी खासी। और डेट टू इक्विटी की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए फाइनेंशियल सर्विस में भी ये कंपनी काम करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये लोन वगैरह देती हुई भी नजर आती है, जो कि हमने यहाँ पर नीचे देखा भी था, कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पर करती हुई कंपनी नजर आती है। तो यहाँ पर डेट की बात नहीं करेंगे, बट प्राइसिंग की बात करें तो कोई भी शेयर यहाँ पर प्राइस नहीं है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो हमेशा हमेशा अपनी बातों वीडियोस में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पिछले 12 क्वार्टर का रिजल्ट। तो 12 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स होती दिखाई दी है, और यहाँ पर हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। और जब भी हाईएस्ट एवर नंबर्स आने शुरू हो जाए, और जब ऐसी कंपनीज में एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो और हाईएस्ट एवर नंबर हो और अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू हो, ये सारी चीजें जब फेवर में आ जाए, और ब्रोकिंग फर्म जो अच्छा खासा करके दिखा रही है, नए नए क्लाइंट्स, नए नए कस्टमर यहाँ पर अच्छी 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 ब्रोकिंग फर्म से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी बात है ये शेयर यहाँ भागते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, पिछले अगर 5 साल की बात करते हैं तो 1403 करोड़ रुपए की सेल, 2586, मतलब दुगना होता हुआ लगभग नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो 3 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। जब यहाँ पर सब चीज अच्छी होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे शेयर को छोड़ते नहीं, ऐसे शेयर को पकड़ के रखते हैं, और ये शेयर अच्छा खासा आपको गेन देता हुआ नजर आएगा। रिजर्व की भी बात करें तो 392 करोड़ रुपीज के रिजर्व, 1631 करोड़ के 61 करोड़ के रिजर्व हो गए। बोरिंग की मैं बात करूंगा नहीं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रीजन फिक्स एसेट देखिए 165 करोड़ का, वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपीज यहाँ पर लगे हुए। और यहाँ पर बात करें इनका ट्रेडिंग ट्रेड रिसीवर 459 करोड़ का, और कैश इक्विवेलेंट 3880 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट है, जो कि हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर अगर हम और कुछ चीजों की बात करें, आरओसी अच्छी खासी है 37% की। और अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ओएफएस आया था, आपको बताया था, उसके बाद वीडियो बनाई थी और अच्छा खासा शेयर भागा। 74.92% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की होगा आई थिंक, हाँ। और अगर बात करें एफआईआईज की, एफआईआईज ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 2% की। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी 2% की घटाई है, वो एफआईएस ने ले लिया। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक की हिस्सेदारी घटती हुई नजर आई है यहाँ पर, पहले बढ़ती हुई नजर आई, फिर यहाँ पर से घटती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर इस शेयर में इतनी कैपेबिलिटी है कि जिस हिसाब से 400 रुपए, मतलब 400 रुपए का शेयर यहाँ पर 800 रुपए के लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये 800 रुपए का शेयर नेक्स्ट अगर बात करें 6 महीने के आसपास या इस साल के लास्ट तक, ये शायद जिस तरीके से मार्केट चल रही है दिखाई दे रही है ये, और इस तरीके के यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है ये कंपनी, तो ये शेयर यहाँ पर दुगना होता हुआ मुझे तो एटलीस्ट नजर आ रहा है। और अच्छा खासा यहाँ पर शेयर है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स यहाँ पर कुछ ऐसा खास बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हायर लोअर हायर अप में यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, अब दोबारा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। अभी एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें, एंजल ब्रोकिंग की अभी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे, और यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आए थे तो आपको पता ही है कि किस तरीके से ये शेयर अपर सर्किट हुआ दिखाई दिया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो देखिए अपर सर्किट में ये भी शेयर दोबारा उसी तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा। तो बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर, और जितने भी ब्रोकिंग फर्म के दिग्गज शेयर है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बताते जा रहे हैं डेली, कोई ना कोई वीडियो ब्रोकिंग फर्म पे आ ही रही है, ये इसी का रीजन है कि ये सारे के सारे शेयर आपको अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर आपको पोजिशन लेनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करनी है, और यहाँ पर मैं ब्रोकिंग सेक्टर पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश हूं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।